मेरा नाम विनीता उलियाल है, मैं उत्तराखंड रुद्रप्रयाग की रहने वाली हूँ। मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन नई मेडिसिटी हॉस्पिटल में हुआ, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। मुझे अपनी किडनी की परेशानी की जानकारी के बारे में 2 साल पूर्व पता चला था, जिसके चलते मैं डॉक्टर के एम साहू सर से मिली। साहू सर ने मुझे ब्लड टेस्ट और कुछ जाँचें वगैरह लिखी थी, जिससे मुझे ये पता चला कि मेरा दायां गुर्दा पूरा ख़राब हो चुका है। उसके बाद मैं डॉक्टर सुमित सर से भी मिली, जिन्होंने मुझे अन्य जांचें करवाई। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको डायलिसिस अच्छा रहेगा, आप ट्रांसप्लांट के लिए सोचें। तो मैंने ये अपने माता पिता से इस बात का जिक्र किया, तो मेरे पिता किडनी दान के लिए स्वतः ही आगे आए और उन्होंने उन्होंने अपनी इच्छा से मुझे किडनी दान दिया, जो कि आज मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं नई थी हॉस्पिटल की बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। यहाँ का पूरा स्टाफ और पूरा हॉस्पिटल डॉक्टर्स टीम बहुत ही अच्छी है, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शायद ही कहीं और जाती तो इतना नहीं हो पाता। डॉक्टर के एम साहू सर और डॉक्टर सुमित शर्मा सर, जिन्होंने सर्जरी की थी और अभी भी मेरा ट्रीटमेंट डॉक्टर के एम साहू सर के अंडर में ही चल रहा है, उन्हीं की देख रेख मैं उन्हीं से परामर्श लेती हूँ। मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ इस ट्रांसप्लांट से। मेरा नाम कुंवर सिंह बिष्ट है, मैं उत्तराखंड से का रहने वाला हूँ। जब मेरी बिटिया ने मेरे को बताया कि पापा किडनी की प्रॉब्लम है, मैंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं आपको किडनी डोनेट करूँगा। उसके बाद हम नेति हॉस्पिटल में आए, नेति हॉस्पिटल में एडमिट हुई। डॉक्टर के एम साहू साहब और डॉक्टर सुमित शर्मा ने हमको जो राय दी, हमने उस पर पूरा वो किया और अपने बिटिया को किडनी डोनेट की। इस किडनी डोनेट के दौरान डॉक्टर सुमित शर्मा और डॉक्टर के एम साहू का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और साथ ही नियति हॉस्पिटल का भी, जिन्होंने इतनी अच्छी सुविधाएं बना रखी हैं, जो कि मुझे अभी मालूम ही नहीं चला, 5-7 दिन ही हुए हैं, लेकिन मुझे भी इतना मालूम नहीं चल रहा है कि हमने किडनी डोनेट की है, मैं इतना स्वस्थ हूँ। साथ ही सारे जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं और जो भी हॉस्पिटल में सफाई वगैरह के कर्मचारी हैं एवं डेली नीड वाले हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सब ने अपने टाइम पर हर एक चीज़ उपलब्ध कराई है। धन्यवाद।